गुड आफ्टरनून गाइस, आज का दिन है 2 जनवरी 2024। आज से एओसी फ्री एंड प्रो दो प्लान्स पे वर्क करेंगे। फ्री प्लान्स में और प्रो प्लान्स में क्या डिफरेंसेस वो देखेंगे। उससे पहले आपका वर्सन 5.0.0 होना चाहिए, वर्सन 5.0.0 होना चाहिए, ठीक। अगर वो अपडेट आपको नहीं दिख रहा है, प्रीवियस वर्सन दिख रहा है, तो क्लियर कैश पे क्लिक करेंगे, ये आपका अपडेट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इनिशियली इस पेज को लोड होने में। पेज लोड होने के बाद हम लोग लॉगिन करेंगे। पेज लोड हो गया है, अब लॉगिन करेंगे। हम लोग लॉगिन करेंगे, देखिए यहाँ पे वर्सन 5 आ गया है। लॉगिन आप ईमेल पासवर्ड से कर सकते हैं, गूगल अकाउंट से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद अगर हम लोग प्रोफाइल में जाएं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा एओसी प्रो सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड दिखा रहा है, अगर नहीं है तो, अगर है तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट दिखाएगा जो भी है। आप यहाँ पे रिन्यू प्लान करके जा सकते हैं। ऑप्शन चेन पे जाएं तो यहाँ पे भी आपको डाटा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि डाटा नहीं मिलेगा। 12:18 का डाटा आ रहा है, अभी टाइम चल रहा है 12:21, लगभग 1 से 3 मिनट का डिले रहेगा डाटा, बेस्ड ऑन द सर्वर पे लोड कितना है, किस तरह से सर्वर प्रोसेस कर पा रहा है। फ्री यूजर्स के लिए सेपरेट सर्वर से डाटा आ रहे हैं, प्रो के लिए फास्टर डाटा आ रहे हैं प्रीमियम सर्वर से। अब सेपरेट कर दिया गया ताकि प्रो यूजर्स को डिफिकल्टीज ना हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी प्रो यूजर्स को पहले प्रायोरिटी से सॉल्व किया जाएगा, फ्री यूजर्स को भी सपोर्ट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको वाटरमार्क आ रहा होगा, फ्री यूजर्स हैं आप, जिसके कारण से आपको डिले डाटा मिल रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आता है जिसमें आपको प्रो प्लान्स की क्या क्या मिल सकते हैं वो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कंटिन्यू फ्री यूजर करेंगे पॉपअप क्लोज हो जाएगा, वाटरमार्क रहेगा। सब्सक्राइब टू प्रो प्लान करते हैं तो आपको प्राइसिंग पेज पे जाता है, जहाँ पे आपको 3 प्लान मिल रहे हैं, वीकली, मंथली एंड ईयरली प्लान्स मिल रहे हैं। 99 का वीकली है, 7 डेज का वैलिडिटी रहेगा। मंथली 299 का है, 1 मंथ का रहेगा। 2990 का ईयरली प्लान है, जो आपके 1 साल रहेंगे। इसमें से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे पेमेंट प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग वीकली का कर रहे हैं, 99 रुपीज आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं भी कर देता हूँ एक बार सब्सक्रिप्शन। आपके पास क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग सभी का ऑप्शन है। पेमेंट हो गया है, पेमेंट होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज पे ले जाएगा, वहाँ पे आपको रीलॉगिन कर लेना दोबारा से, ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रो प्लान पे आ गए हैं। अकाउंट में जाएं तो यहाँ पे 9 जनवरी तक का एक्सपायरी दिखा रहा है। माई ऑर्डर्स में जाऊं तो यहाँ पे दिख रहा है प्रो प्लान मैंने 2 जनवरी को लिया था 12:22 पे, वो दिखा रहा है, ठीक। अब इसके साथ साथ अगर ऑप्शन चेन में जाएं तो यहाँ पे वाटरमार्क नहीं आएगा, आपको रियल टाइम का डाटा मिलेगा, 10 सेकेंड का डिले वाला डाटा मिलेगा, ठीक है। अब एक डाउट है कि इसमें ये सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक है, आप क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्री में भी यूज कर सकते हैं। 1 से 3 मिनट का डिले डाटा रहेगा। डाटा कब अपडेट हुआ है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सारे फीचर्स मिलेंगे फ्री को भी पेड को भी। फ्री में भी सारे डाटा मिलेंगे, पेड में भी सारे डाटा मिलेंगे। उसमें कोई नहीं है कि निफ्टी इसमें सारे इंडेक्स फ्री में और पेड में, सभी में सभी इंडेक्सेस के स्टॉक्स के डाटा मिलेंगे। अब एक डाउट है कि क्या गूगल मीट का एक्सेस मिलेगा, नहीं गूगल मीट का नहीं है, ये सिर्फ एओसी के वेबसाइट को एक्सेस करने का है। गूगल मीट को अगर आप गूगल मीट ज्वाइन करना चाहते तो उसके लिए डोनेशन का एक रास्ता है, सब्सक्रिप्शन ना लेके डोनेशन कर सकते हैं। डोनेशन की डेडलाइन 14 जनवरी तक है। 14 जनवरी तक अगर आप 10K कर रहे हैं तो लाइफ टाइम प्रीमियम बन जाते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं लेकिन आपको 14 जनवरी तक 10,000 रीच करना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए। अभी अगर 1,000 कर रहे हैं तो 14 जनवरी तक का आपको गूगल मीट का एक्सेस प्लस एओसी का प्रो मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा 14 जनवरी तक, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज कर रहे थे कि लॉग आउट बार बार हो रहा है मोबाइल ऐप पे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके सेटिंग्स पे जाना है या एओसी के आइकॉन पे क्लिक एंड होल्ड, टैप एंड होल्ड करना है। वहां पे मोर ऑप्शंस आते हैं, मोर ऑप्शंस में जाके आपको क्लियर डाटा करना है, एओसी के ऐप के डाटा को क्लियर करना है। उसके बाद आपको क्लोज करके दोबारा लॉग इन कीजिए या आप अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके लॉग इन करके शुरू कर सकते हैं।